एउटा त नौ पिसको अहिले फ्लाइटको साइज रहेको यहाँदेखि तपाईँहरूलाई दिल्ली लिएर जान्छ दस बिस ग्यारह बिस बजी तपाईँहरू दिल्ली लेट गर्नुहुन्छ साढे एघार बजे गङ्गा एपार्टमेन्टमा मेरो एमपीको घर छ दिल्लीमा है तपाईँहरू त्यहाँ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई त्यहाँ लिएर जानुहुन्छ त्यहाँ आरामले घरमा बस्नु त्यहाँ खानेको व्यवस्था लन्चहरूको व्यवस्था पनि त्यहीँ गराइदिनु राति तपाईँहरूको दस बजीको फ्लाइट हो एक सांसद होने के नाते ये मेरा धर्म है मेरा फर्ज है मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मेरा कर्तव्य था मैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं अभी भी जैसा मैंने कल आपको बताया कि हमारे ये जो यूथ ये बच्चे हैं ये ज्यूरिख जरूर जाएंगे और दुनिया की कोई भी बाधा चाहे हवाई जहाज हो चाहे रुपये पैसे हो इनके लिए वो बाधा बन के नहीं आएगी इनको एक मौका मिला है देश को रिप्रेजेंट करने का दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट करने का कालिम्पोंग को रिप्रेजेंट करने का और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी 9:20 की सवेरे फ्लाइट स्पाइसजेट की फ्लाइट से या बॉम्बे नहीं अब यहाँ से ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में हमारा स्टाफ उनको रिसीव करेगा दिन भर मेरे घर पर रहेंगे वहाँ पर उनकी खाने पीने की व्यवस्था की है और रात की 10 बजे की फ्लाइट है इंडिगो की फ्लाइट इनको पहले यहाँ से कतर लेके जाएगी और कतर एयरवेज की ये कनेक्टिंग फ्लाइट है और उस फ्लाइट से ये कल सवेरे हिंदुस्तान के समय अनुसार 7 बजे ज्यूरिख लैंड करेंगे पहले इनका जो स्पॉन्सर जो टिकट था वो वाया बॉम्बे म्यूनिक होते हुए ज्यूरिख जाने का था क्योंकि वो टिकट कैंसिल हो गया कल हवाई जहाज हम नहीं ले पाए तो कैंसिल हो गया तो अब नया टिकट इनके लिए बनवाया है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा उसमें स्कूल को या बच्चों को 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है जो भी खर्च आएगा एक सांसद होने के नाते एक भाई होने के नाते वो मैं अपने ओर से कर रहा हूँ सो नया टिकट इनके लिए बना है और ये सीधे जो है अब बॉम्बे की जगह दिल्ली होते हुए कतर के रास्ते ये कल सवेरे 7 बजे ज्यूरिख पहुंचेंगे और बाकी का कार्यक्रम यथास्थिति जैसा पहले था उसी तरह से रहेगा और आप सब मीडिया के साथी जो बहुत देर रात तक थे और सवेरे 8 बजे से आप लोग एयरपोर्ट आए और आपके माध्यम से जनता के मन में एक आक्रोश था एक निराशा थी मतलब उसको दूर करने का काम आप सब ने भी किया मैं आप सबको बधाई देता हूँ और विशेष करके कुमुदिनी स्कूल के स्टाफ और जो वहाँ के प्रिंसिपल और जो भी सहकर्मी है मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ इतने योग्य बच्चे उन्होंने बनाए स्कूल के माध्यम से और स्कूल के माध्यम से आने वाले समय में भारत का और विशेष करके कालिम्पोंग दार्जिलिंग का नाम रोशन होगा और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पे हम सब मिल करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं पैसा और रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती मुझे लगता है मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है अगर हमारे इस जीवन में हम एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आ सके फिर तो हम मानव नहीं है फिर हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता हम सब आदमी हैं और हमारा ये जीवन हमको मिला इसीलिए है कि ये जीवन दूसरे के काम आए मुझे लगता है इस घटना के माध्यम से हम सबको भी ये भाग्य मिला है कि हम इनके काम आ सकता है मुझे लगता है हम सबके लिए ये अभी का समय सुखद का है कि हमारे बच्चे जैसा प्रोग्राम बना था भले एक दिन लेट सही वापस ज्यूरिख जा रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन करके वापस आएंगे मेरी ओर से उन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं और मैं अभी जाके उन सबसे एक एक करके मिलूंगा एक सवाल उठता है कि कालिम्पोंग की वेस्ट बंगाल में नहीं है क्योंकि काल से आज तक वेस्ट बंगाल का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देखिए मुझे दिखाई नहीं दिया देखिए गवर्नमेंट है नहीं है मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता और ये राजनीति करने का विषय भी नहीं है मुझे लगता है जिसको भी ये भाग्य सौभाग्य मिले मुझे लगता है उसको ये काम करना चाहिए अब शायद मेरा भाग्य ठीक था कल मुझे ये सौभाग्य मिला इनकी सेवा करने का और मैं वो कर रहा हूँ कोई आया नहीं आया मुझे उसमें कोई खुशी या दुख नहीं है अच्छा होता क्योंकि हम सब लोग पश्चिम बंगाल में पैदा हुए अच्छा होता अगर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी लोग आते और मतलब इसमें सहायता करते
लेकिन नहीं आ पाए तो उसका भी कोई कारण होगा, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है इस पे राजनीति करना भी नहीं चाहिए। सर आज तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ रही हैं, कल जीतने का शपथ ग्रहण है, सर क्या कहेंगे? मेरी शुभकामनाएं उनको, और इस विषय से ये कनेक्टेड विषय नहीं है, मेरा यही कहना है जीटीए को लेकर के मैं उसकी मान्यता को स्वीकार नहीं कर सकता, और जबरदस्ती वो एक व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई है। हमारी मांग है कि हमारे लिए बड़ा और स्थायी राजनीतिक समाधान हो, और उसके लिए भारत सरकार और स्वयं मैं प्रयास कर रहा हूँ, और बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र के भ्रमण में आ रहे हैं। मुझे लगता है जल्द ही हम सब के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए कोई सुखद समाचार अवश्य आना चाहिए। चलो Thank you. Have a safe flight.